हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उससे पहले शेयर करूंगा, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसको मैंने शेयर नहीं कर पाया, वीडियो बना के छोड़ दिया। और जो मेंबर्स जोन है और व्हाट्सएप मेंबर ग्रुप है उनमें जो शेयर करना चाहिए था वो मैं शेयर नहीं कर पाया, जिस कारण से इवनिंग में जब मार्केट बंद हो जाने के बाद 2 घंटे के बाद मैंने देखा कि इस पर व्यू एक भी नहीं मिली है। फिर मेरे को देखा तो शेयर ही नहीं किया है, कल का वीडियो गलती से शेयर कर दिया था आई थिंक। तो उसमें हुआ क्या कि बाद में मैंने पब्लिक किया उस वीडियो को, लेकिन एग्जैक्टली व्यू मैच किया 36,500 के आसपास। एक बोला था कि वहाँ वर्स्ट के सिनेरियो में आता है और वहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ही खरीदेंगे, या 36,000 700 के आसपास से बाउंस करता है, 800 के ऊपर चले या 37,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, वहां से 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, 37,900 का बैंक निफ्टी का टारगेट था। अब देखिए, इतना बड़ा पुलबैक आने के बाद क्या करना चाहिए? फिर से तेजी करना चाहिए? ट्रेंड यहां से क्या रिवर्स कर गया है? एज पर माई व्यू नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी परसों सेल किया फिर कल बाई किया, ब्रेकआउट पे तेजी किया होगा चार्ट के बेसिस पे भी, दो स्विंग अच्छा खासा मिल गया फ्राइडे से लेके मंडे तक, एक बॉटम मिला या एक कल फाइनल बॉटम मिला, फिर से नीचे से ऊपर गया और फिर आज डाउन साइड के लिए बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम होगा, प्लस यहाँ से ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे तो भी दिक्कत होगी। वेडनेसडे है, कल का एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच करेंगे, फिर से वेट एंड वॉच करेंगे। 2 घंटा या 1 दिन वेट करने पे अच्छा खासा स्विंग आपको मिल जाए तो वेट एंड वॉच करना स्ट्रेटजी अच्छी है। परसों के वीडियो में क्लियर कट बोला था कि 37,200 के ऊपर चले और 37,200 के आसपास बॉटम बनावे और फिर 37,500 के ऊपर चले तो तेजी करेंगे। और आप लोगों को पता है कि 250-300 पॉइंट का ब्रेकआउट बोला था और कल जिस तरीके से लो लगाया वहां से भी अपने 250 पॉइंट पकड़ा होगा, या 37,000 के ऊपर या 37,200 के ऊपर भी ब्रेकआउट पे बाई किया होगा, तो कल भी वीडियो नहीं देने के बावजूद भी पैसे बनाए होंगे। व्यू सेम था, परसों के वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, बाई करेंगे, अभी मार्केट का बॉटम नहीं बनेगा, इस कारण से गिरावट से बाउंस देखे जाने की पूरी संभावना है, बॉटम बनने में टाइम है, मार्च में बॉटम बनेगा। 24 तारीख तक मैंने बोला हुआ है कि गिरेगा, 24 का मतलब 24 ही नहीं है, होता है। अब क्या होने वाला है ये मैं टाइम साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा और यहाँ से कौन सा लेवल रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा। तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल आज के लिए 38,000 के प्रीमियम अभी भी नहीं बढ़ा है, 38,400 के आसपास से रिवर्स करे, 38,000 का लेवल टूटे तो बेचेंगे। रिस्की ट्रेड 38,400 के आसपास आता है तो 38,900 का, जैसे 39,000 का आसपास आया था तो मैंने बोला था कि 39,500 का एसएल लगा करके 1,500 पॉइंट की मंदी कर सकते हैं, 1,000 पॉइंट के लिए बोला था। उसी तरीके से आप 39,000 का स्टॉप लॉस लगा के सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि आज जोर से बहुत नीचे आ जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा। तो आज हो सकता है रेंज बाउंड प्ले करें, कौन सा रेंज, 38,400 और नीचे 37,700, ये एक जोन हो सकता है। क्योंकि कल का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट को फॉलो कीजिए, मिड पॉइंट यहाँ पे मिलता है 37,440, ये एक मिड पॉइंट है, इसको शिफ्ट होने दीजिए, आज कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कितने पे, 37,700 के आसपास। तो इसलिए 37,700 सपोर्ट और 38,400, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा 38,400-300 के आसपास मिले तो 38,500-38,700 का ऐसे लगा करके हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी इंट्राडे 200-300 पॉइंट के लिए प्ले करेंगे। और बहुत जोर से गिरता है तो उसके लिए 38,000 का लेवल टूटे तो 37,700-800 के आसपास आता है तो फिर से आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिए 38,000 के ऊपर और फिर उसको ट्रेड में भी, मार्केट है वोलेटाइल हो सकता है तो कहीं ना कहीं 37,400 भी आ सकता है, कब, जब 37,400-700 टूटेगा तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि 38,300-400
के आसपास रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है उसको छू करके रिवर्स करे 37,100 के नीचे ट्रेड करे तो आप सेल कीजिए, टारगेट होगा 37,950, 37,700, स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए और नीचे के टारगेट के लिए पोजिशनल भी आप होल्ड कर सकते हैं। जिनको बड़ी मंदी खेलना है, पोजिशनल मंदी खेलना है, उनको मार्च एंड का पुट लेना चाहिए, 37,000 का पुट लेकर के बैठ जाना चाहिए मार्च एंड का, वो भी 38,400-38,500 के आसपास। और पोजिशनल मीन्स पोजिशनल, और उतना ही पैसे लगाने का कि आपने यहाँ जो कमाया है, ये एक महीने का स्विंग जो जो हुआ है मैक्सिमम हमने पकड़ने की कोशिश की है, और बजट से लेकर के अब तक का, या 28 जनवरी से लेकर के अब तक का स्विंग पकड़ने की कोशिश किया है, और उस स्विंग में 4,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में, और उसमें अगर आपने 2,000 भी कमाया है तो उस 2,000 का रिस्क लेकर के आप ट्रेड पोजीशन ले सकते हैं। और डेली ट्रेडिंग जो नहीं करते वही पोजिशनल ट्रेड करें, नहीं तो थोड़ा सा भी ऊपर जाने लगेगा ना, अब प्रीमियम घटने लगेगा आपका कॉल का पुट का, तो आप परेशान हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अच्छा है, निफ्टी में मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ। मैंने क्लियर बोला था कि 17,500 के आसपास आए तो ही शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और आज सिंपल सा स्ट्रेटजी होगा 300-360 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 360 नियर अबाउट है, और ऊपर 500-557 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे आवे तो फिर से पोजिशनल ट्रेडर शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। कौन सा स्टॉप लॉस? 860 का, 17,860 का स्टॉप लॉस लगा के, जैसे मैंने 17,600 के आसपास आया था, बोला था कि 17,860 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। तो अगर आपने स्विंग में 1,000 पॉइंट निफ्टी में कमाया है तो 500 पॉइंट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 400 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो लेके भूल जाइए, वरना डे बाय डे के मूवमेंट को, व्यू को फॉलो कीजिए और फिर अपने एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी है। हाँ, आज निफ्टी में भी कंसोलिडेट करें तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बन सकता है बाउंस के लिए, और बाउंस में सबसे अच्छा मैंने एसबीआई का क्लियर कट बोला था कि 500-490 के आसपास आवे तो एक बार फिर से बाउंस कर सकता है, तो एसबीआई तो कल ही बाउंस कर गया। अब रही बात कि आज आज कौन सा स्टॉक, तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं। लुपिन में 810 का 12 का बोला था ब्रेकआउट लेवल, वो नहीं हुआ और उसी दिन नीचे बंद हुआ, फिर नीचे का लो लगाया। तो लुपिन और सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक आईजीएल, आईसीआईसी प्रोडेंशियल, ये सब लो लेवल पे है अभी इनका बॉटम। लुपिन का बॉटम मेरे को लग रहा है 770 के नियर अबाउट बन रहा है, जिससे 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे का मूवमेंट हो रहा है। अब इस स्टॉक को अगर खरीदना है, लुपिन का मैं इंट्राडे लेवल दूंगा 770 के ऊपर, बाई करना चाहिए 776 के लिए, 10-5 पॉइंट के लिए ही आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो सबसे अच्छा कि ये बॉटम आउट हो रहा है और मार्च के बाद ही चलेगा स्टॉक, इसमें इंट्राडे पोजिशन लीजिए, प्रॉफिट लॉस इंट्राडे में काट लीजिए, ओवरसोल्ड है, निफ्टी में कंसोलिडेशन होगा तो 776, और 776 कटेगा तो 790 के आसपास जा सकता है। तो ये है व्यू फॉर लुपिन, और पीएसयू बैंकों को आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉकों में अगर बाउंस नहीं आया तो उनको देखिए, और उनमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस गिरावट में एक्युमुलेशन जोन में खरीदते रहना चाहिए। पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा 112-13 रुपए तक जा सकता है, नीचे 106 रुपए पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 106 रुपए पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल का लो 106 रुपए, 104.05 रुपए का है, और मेरे हिसाब से 112 रुपए का इंट्राडे का रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे 108 रुपए का सपोर्ट है, 107.50 रुपए का ये लेवल मिले या फ्लैट मिले तो भी 2 रुपए की तेजी की जा सकती है। ये सिंपल सा व्यू है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मे बी या तो मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा, या कमेंट बॉक्स में मीन्स कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल का वीडियो मिस करने के बावजूद भी परसों के व्यू से जिन लोगों ने रिस्क लिया पैसे बनाए, लेकिन कल का व्यू एग्जैक्ट
कल का व्यू कल के लिए था और परसों के लेवल से बहुत मार्केट नीचे था, तो कहीं ना कहीं वो मिस किया गए। फिर भी रिस्क लेकर के पैसा तो बना होगा, और डेली पैसा बनाना कंपलसरी नहीं है। मैं खुद अभी मार्केट से बाहर हूँ, मोबाइल पे जो समझ में आता है या वीडियो में जो शेयर करता हूँ, जो समझ में आता है मोबाइल के थ्रू ट्रेड कर लेता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।